बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ संजना और आप देख रहे हो इंडियन ग्लैमर। तो गाइस आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ विटामिन ई के कितने सारे फायदे हैं। विटामिन ई कैप्सूल हम हमारे बालों पे, हमारे स्किन पे हम लोग यूज करते हैं और आपने काफी सारे वीडियोस में देखा भी होगा, मेरे खुद के वीडियो में आपने काफी टाइम देखा होगा कि मैं विटामिन ई का इस्तेमाल जो है वो बहुत ही ज्यादा करती हूँ, यानी कि विटामिन ई ऑयल का। और ये विटामिन ई कैप्सूल के फायदे क्या क्या है और इसको मैं काफी सारे यूज भी करती हूँ, आप खुद देख सकते हो। और इसको मैंने कितने तो भी पैकेट्स मैंने ऐसे यूज किए होंगे, मुझे तो नंबर्स भी नहीं पता है। तो मैं आज आपको यही बताने वाली हूँ कि इसको आपको कैसे यूज करना है। इसे डायरेक्टली बालों पे नहीं लगाना होता है, आपको इसे किस तरीके से लगाना है और कितने आसान तरीके से आपको आपके बालों पे लगाना है वही आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि हमें बहुत जल्दी 4 लाख की फैमिली कम्प्लीट करनी है। तो ज्यादा जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी ऑल पे क्लिक जरूर कर देना। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो गाइस चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आपको लेना है कोकोनट हेयर ऑयल। मैं यहाँ पे पैराशूट का कोकोनट हेयर ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप कौन सा भी कोकोनट हेयर ऑयल यूज़ कर सकते हो। मुझे ये हेयर ऑयल अपने सिर्फ स्कैल्प पे लगाना है इसलिए मैं ज़्यादा नहीं लूँगी, ओनली 2 टेबलस्पून मुझे इनफ है, 2-3 टेबलस्पून आप ले सकते हो। फिर यहाँ पर मैं विटामिन ई की कैप्सूल यूज़ कर रही हूँ। मैं बस एक ही विटामिन ई की कैप्सूल ऐड करने वाली हूँ, इसको आपको ब्रेकआउट करना है एंड देन उसके अंदर का ऑयल जो है वो आपको कोकोनट ऑयल में मिक्स कर लेना है। कुछ भी तामझाम नहीं है, ये एकदम इजी है, आप इसे आराम से घर पे बना के आपके हेयर पे लगा सकते हो, स्कैल्प पे लगा सकते हो। अब आपको इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। एक कटोरी में आपको पानी गर्म करना है, थोड़ा सा हल्का ही पानी गर्म करना है जिसमें आपकी कटोरी डूब सके। आपको इसे डबल बॉइलिंग प्रोसेस के साथ आपको इसे गर्म करना है, यानी कि वार्म करना है आपके ऑयल को। डायरेक्टली अगर गर्म करेंगे तो आपके तेल के अंदर की जो भी अच्छी प्रॉपर्टीज़ है वो सारी ख़त्म हो जाएंगी, इसलिए आपको डबल बॉइलिंग प्रोसेस के साथ ही आपको यह ऑयल को गर्म करना है। जब ये अच्छे से लुक वार्म हो जाएगा तब आपको कटोरी को बाहर निकाल लेना है, इसको अच्छे से मिक्स करना है। ज़्यादा गरम गरम तेल बालों पे नहीं लगाना है। जब आपकी स्किन उस हेयर ऑयल को सह सके तब आपको इसे लगाना है, यानी कि लुक वार्म होने के बाद आपको इसे लगाना है। बालों को अच्छे से सुलझा लो तो और भी ज़्यादा बेहतर होगा। अब आपको इसे जो आपका लुक वार्म ऑयल है उसको ऑल ओवर स्कैल्प पे मसाज करते हुए कुछ इस तरीके से फिंगर टिप्स की हेल्प से लगाते जाना है। एक बात आप हमेशा ध्यान रखना कि ज़्यादा हेयर ऑयल आपके स्कैल्प पे नहीं लगाना है, एकदम भर भर के नहीं लगाना है, उतना ही हेयर ऑयल आपके स्कैल्प पे लगना चाहिए जितनी आपकी स्कैल्प को ज़रूरत है। लुक वार्म हेयर ऑयल यूज़ करने से आपके स्कैल्प को बहुत ही ज़्यादा राहत मिलती है, आपका ब्लड फ्लो बढ़ता है जिससे आपके हेयर को 2 गुना लंबा होने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। ये मेरा सबसे फेवरेट वाला DIY हैक है क्योंकि इसमें तामझाम भी ज़्यादा नहीं है और इससे मेरे स्कैल्प को भी राहत मिलती है, मुझे भी राहत मिलती है। मैं बचपन से लेके अब तक इसी तरीके से हेयर ऑयल को लगाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ लुक वार्म करके। लुक वार्म वाला हेयर ऑयल आप बस आपके स्कैल्प के लिए ही यूज़ करना, क्योंकि हेयर के लेंथ के लिए आप नॉर्मल वाला हेयर ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरे पास हेयर ऑयल बच गया है इसलिए मैं अपने हेयर की लेंथ पे भी अच्छे से लगा लूँगी। और ख़ास करके ध्यान रखना है कि आपके हेयर के नीचे वाले सेक्शन में भी अच्छे से हेयर ऑयल लग जाए, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमारी नेचुरल ऑयल जो है हमारी बॉडी नीचे तक प्रोवाइड करते करते ख़त्म हो जाती, इसलिए हमारे नीचे वाले हेयर्स में आपको 2 मुंह बालों की परेशानी दिखेगी। पर आपको ये प्रॉब्लम से दूर रहना है तो आपको हेयर के लेंथ के साथ साथ नीचे वाले हेयर लेंथ पे भी लगाना है ताकि आपको 2 मुंह बालों की परेशानी ना हो। आप देख सकते हैं बालों पे तेल लगाने के बाद किसी तरीके से चमक आ जाती है, आपके बालों को मॉइस्चराइज मिलता है, इसलिए आपको 2 मुंह बालों की प्रॉब्लम भी नहीं होती और आपके बाल शाइन भी करते हैं। इसको लगाने के बाद आप इसे आधे घंटे में 1 घंटे में भी हेयर वॉश कर सकते हो शैम्पू के साथ, और इसे ओवरनाइट रखने के बाद भी हेयर वॉश कर सकते हो। आप मेरा फाइनल रिजल्ट देख सकते हो कि मेरे बाल कितने ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ लगते हैं मुझे।
इसको लगाने से मेरे बालों में फ्रिजीनेस की प्रॉब्लम जो है वो भी दूर हो जाती है, स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम दूर हो जाती है और मेरे बाल लॉन्ग होने में, मेरे हेयर की ग्रोथ होने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो गाइज, अगर आपको भी इसे यूज करना है तो आप भी इसे बेझिझक यूज कर सकते हो। बस इसको एक बार पैच टेस्ट जरूर कर लेना, क्योंकि ये तो नेचुरल ऑयल है, इसके तो कोई साइड इफेक्ट है नहीं। पर जरूरी नहीं कि हर किसी के स्किन टोन को ये सूट हो जाए। तो एक बार आपके स्किन के ऊपर ईयर के पीछे कुछ इस तरीके से लगा के देखना कि आपको कुछ रैशेस वगैरह की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। अगर होती है तो आप इसे बिल्कुल भी मत यूज करना, और अगर आपको नहीं होती है तो आप इसे बेझिझक आप इस विटामिन ई कैप्सूल के ऑयल को यूज कर सकते हो। और ये काफी ज्यादा फायदेमंद है, इसको मैं काफी ज्यादा यूज कर चुकी हूँ और करते भी रहती हूँ, और मैं आने वाले टाइम में भी करते रहूंगी। क्योंकि मेरे बाल लंबे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने बालों का केयर नहीं करूंगी। मैं अपने बालों का केयर करूंगी, क्योंकि मुझे मेरे लंबे बालों को मेंटेन रखना होता है इसी तरीके से। इसलिए मैं अपने बालों पे इस तरीके के DIYs करते रहती हूँ और आपके साथ भी मैं शेयर करते रहती हूँ। और अगर बात करें इसको परचेस करने की, ये आपको आसानी से मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। 30-40 रुपीज के आसपास आपको ये पड़ेगी, और इसके अंदर आपको 10 कैप्सूल्स मिलने वाले, और ये 10 कैप्सूल काफी लॉन्ग टाइम तक चलते हैं। तो आप बेझिझक इसको यूज करना, इससे आपके बालों की क्वालिटी अच्छी होगी, आपके बालों को, हेयर को स्ट्रेंथ मिलेगी, आपके स्कैल्प को विटामिन ई की जो कमतरता है वो पूरी हो जाएगी अगर आप ये विटामिन ई ऑयल यूज करते हो। तो आप भी इसे एक बार जरूर ट्राई करके देखना, और कमेंट में मुझे जरूर बताना कि ये आपके लिए कितना ज्यादा फायदेमंद है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो। आई होप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं बहुत ही ज्यादा रेगुलर हो चुकी हूँ, रेगुलर मैं वीडियोस बनाती हूँ, शॉर्ट वीडियोस भी मैं अभी रेगुलर डालना स्टार्ट कर चुकी हूँ। तो आप भी मेरे चैनल पे रेगुलर हो जाइए। इसके लिए आपको बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ये फ्री है पर मुझे काफी ज्यादा मदद मिलती है इससे। तो जाओ जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन को भी ऑल पे क्लिक जरूर कर देना, और कमेंट में जरूर बताना कि आप विटामिन ई ऑयल कैप्सूल यूज करते हो या नहीं। तो गाइस, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।